यूं तो विपक्ष की महाबैठक जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी ही सफल रही, लेकिन फिर भी इस बैठक में एक मुद्दा ऐसा रहा जिसको लेकर महाबैठक के बीच महाजंग की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश का मसला उठाया, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनसे पलटकर कहा कि 370 के मुद्दे पर आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया था। सूत्रों के अनुसार इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को पिछले दो दिनों के उनके नेताओं के सारे बयान पढ़कर बताए और कहा कि ये सब आप लोग केवल प्रोवोक करने के लिए कर रहे हो, जबकि इसकी जरूरत ही क्या है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का एक ऐसा ही बयान हम आपको सुनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी और बीजेपी के बीच सांठगांठ की बात आप प्रवक्ता ने कही थी। रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है, क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब ऐसे ही बयानों का हवाला देते हुए खड़गे केजरीवाल पर बरस पड़े। सूत्रों के अनुसार खड़गे ने कहा कि यहाँ हम विपक्षी एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये तो इस बैठक का मसला ही नहीं है, ये तो संसद का मसला है जिस पर हम संसद में ही चर्चा करके तय कर लेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को टोक दिया और उनसे कहा कि ये बात सही है कि ये तो इस बैठक का मुद्दा ही नहीं है, तो फिर आप इस मसले को यहाँ क्यों उठा रहे हैं। इस बैठक के खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया।